हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल व्यू में किस तरीके से हम वेयर कीवर्ड का यूज करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट किया है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, हमें जाना है एसक्यूएल व्यू में, तो इसको कर देते हैं यहां से क्लोज। ये क्लोज कर दिया। अब जाना है आपको कहां, क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद सीधा चले जाइएगा क्वेरी डिजाइन पर। मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन, तो ये आ गए यहां पर। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर शो टेबल आ रही है, इसको क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है एसक्यूएल, क्लिक कर दीजिएगा, बस इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हमें करना क्या है, यहां पर टेबल बनानी है, तो ये लिख दिया मैंने क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कोड लिखने से टेबल बन जाती है। टेबल का नाम आपको देना होता है, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर अब हमें चीजों को बहुत सावधानी से करना है। लाइक यहां पर लिखना है नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नाम देना है। तो प्रोडक्ट का नाम कौन सा डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, तो ये टेक्स्ट दे दिया हमने, कॉमा दिया। एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर क्या करना है, प्रोडक्ट की प्राइस देनी है, तो ये दे दिया प्राइस। अब प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहां पर हम दे देते हैं करेंसी डेटा टाइप। विच काइंड ऑफ डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दो ही हमें रखना हो, ठीक है, और यहां से अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब चलिए एक बार देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। तो यहां पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ये रन हो गया, और यहां पर देख सकते हैं दो फील्ड जो हमने लिया था केवल वही आया हुआ है। तो मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में कुछ डालते हैं, लाइक सपोज कीजिए यहां पे लिखता हूं मैं टैली ईआरपी 9 बुक, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद यहां पर इसकी प्राइस आएगी, तो प्राइस डाल देते हैं, लाइक यहां पे प्राइस डाल देते हैं 1200 रुपए, ठीक है। तो ये 1200 डाल दिया, यहां पे रुपीस का साइन भी आ रहा है। अब यहां पे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, ये डीबीएमएस की बुक है, ठीक है, यहां पे लिखा डीबीएमएस बुक, और यहां पर इसकी प्राइस डाल देते हैं, जो भी प्राइस है इसकी यहां पर डाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आता चला जा रहा है। फिर यहां पर लिखते हैं जावा, ये भी जावा की बुक है, तो यहां लिखा जावा बुक, और यहां पर इसकी प्राइस डाल देते हैं, जो भी इसकी प्राइस है वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर लिखते हैं पाइथन, तो पाइथन की बुक है, तो पाइथन की प्राइस यहां पर आ जाएगी, तो जो भी प्राइस है यहां पर डाल देंगे। इस तरीके से और भी बुक्स हम ले लेंगे, लाइक डॉट नेट की बुक है, तो ये लिखा डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट यहां पर लिखेंगे डॉट नेट, ठीक है। तो ये हो गया डॉट नेट, और डॉट नेट लिखने के बाद यहां पर आते हैं, तो यहां पर इसकी प्राइस हम डाल देंगे, लाइक 1000 रुपए इसकी प्राइस है। इसी तरीके से और भी कोई बुक हमें लेनी हो, लाइक यहां पर है आप देख सकते हैं, और इसको सेव भी कर दिया। अब सेव करने के बाद करना क्या है, इसको क्लोज करना, ये जो क्वेरी बनाई हमने इसको सेव करके क्लोज करना है। तो ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास टेबल है, चलिए एक और क्वेरी बनाते हैं। क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और यहां से इसको क्लोज कर देंगे, और यहां से अब हम नई क्वेरी बनाने वाले हैं। तो कैसे नई क्वेरी बनाएंगे, देखिए अगर पूरे टेबल को आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सेलेक्ट के बाद स्टार सिंबल लगाना होगा। ये स्टार लगा दिया, पूरे टेबल को लेना चाहते हो तो खाली इतना लिख दीजिए और यहां से रन करवा दीजिए। जैसे ही रन करवाएंगे तो पूरा टेबल ही आ जाएगा सिलेक्शन में, लेकिन हम ये चाहते हैं कुछ क्राइटेरिया देना। SQL में कुछ क्राइटेरिया कैसे देंगे, जैसे यहां पर तो टेबल सेलेक्ट हो गई हमारी, लेकिन अब टेबल सेलेक्ट करने के बाद दूसरी क्वेरी हमें इसलिए बनानी है क्योंकि हम इसमें कुछ क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि इतने से इतने तक का ही, इतने से इतने कीमत तक की ही केवल चीजें हमें शो हो। तो यहां पर चलते हैं वापस से SQL में और SQL व्यू में, और यहां पर हम कुछ कोडिंग करेंगे जिसकी वजह से कुछ लिमिटेड कीमत वाली चीजें ही आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेलेक्ट और यहां लगाया स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट टी, तो हम पहले पूरा डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट टी से पूरा डिटेल सेलेक्ट कर लिया हमने, एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर कहेंगे वेयर। अब क्या सेलेक्ट करना है भैया, तो यहां पे लगाया वेयर। अब हमने क्या दिया है, हमने दिया है प्राइस, देख सकते हैं यहां पर जब पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ तो ये प्राइस ही आया हुआ है। तो हम तीसरी जो क्वेरी बना रहे हैं उसमें हम रखेंगे प्राइस की बात, और हम प्राइस को बिटवीन में लेंगे, मतलब कि यहां से यहां तक की प्राइस, यानी बिटवीन कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये लिख दीजिए बिटवीन, कुछ इस तरीके से प्राइस इज बिटवीन, किसके किसके बीच में रहेगा प्राइस, जैसे सपोज कीजिए प्राइस इज बिटवीन 500 टू एंड, एंड कर देते हैं एंड 500 एंड यहां पे लिख देता हूं 1500 कर दिया और लगा देना है आपको। जैसे ही कोलन लगाएंगे तो ये अब रन होने के लिए तैयार है आपका डाटा।
ठीक है, जो भी आपने बनाया है इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं, जो क्वेरी 2 है। अब क्वेरी 3 को रन कराने की बारी है, तो यहां से डिजाइन पे चल के रन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बनाई है हमने, जिसकी वजह से ये आ गया। अब चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि जिनकी प्राइस, जैसे कि मैंने यहां कंडीशन दी हुई है, तो जो कंडीशन दी है उसी के मुताबिक ये कैलकुलेट होकर आया। देखिए, प्राइस 500 से लेके 1500 के बीच की है, तो यहां पर जब इस क्वेरी को हम रन कर रहे हैं तो ये 500 से 1500 के बीच की ही आ रही है रेंज, देख सकते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग करता हूं मैं, लाइक यहां पर देखिए, यहां पर जाकर के और कुछ चेंज कर रहा हूं, ये 500 से 1500 नहीं, इसको मैं अब चेंज कर रहा हूं 500 से 1500 के बजाय 500 से 1000 अगर मैं कर देता हूं, तो केवल 1000 तक की चीजें आएंगी। तो देखिए यहां पे 500 से लेकर और 1000 तक के किताबों की डिटेल आपके सामने है। तो आप बिटवीन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं वेयर लगा करके, अगर आपको कंडीशन देनी है माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल जो व्यू होता है वहां पर, तो इस तरीके से आसानी के साथ दे सकते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और साथ ही साथ कल लाइव क्लास के साथ 8:30 बजे शाम को जुड़ना ना भूलें, जो कि क्लास टैली की होती है, तो कल शाम 8:30 बजे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।